नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। 1 सितंबर 2019 को सरकार ने मोटर व्हीकल का नया बिल लागू किया था, जिसके तहत ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर जो जुर्माना की राशि थी वो बढ़ा दी गई थी। यानी कि जहाँ 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ता था, उसका 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। इसके विरोध में दिल्ली NCR में ऑटो रिक्शा ऐप ऊबर टैक्सी यानी कि ओला और ऊबर और साथ ही जो प्राइवेट बसेस थी उन्होंने स्ट्राइक किए हैं, जिसका असर आपको देखने को दिल्ली में देखने को मिलेगा। आज ऑटो रिक्शा वालों की स्ट्राइक है, ये क्यों है? आज सिर्फ ऑटो रिक्शा की स्ट्राइक नहीं, आज ट्रांसपोर्ट की पूरी स्ट्राइक है जो चक्का जाम करने के लिए की गई है। क्योंकि सरकार की तरफ से जो ज़रूरत से ज़्यादा चलानों की वृद्धि कर दी गई है, इससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है। लाख लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, जितनी गाड़ी की कॉस्ट नहीं उससे ज़्यादा के चलाने, तो आदमी चलान कहाँ से भरेगा, सर्वाइव कैसे करेगा? आदमी कमाने निकलता है या नुकसान भरने निकलता है? और देखो, एक फितरत होती है इंसान की गलती करना, गलती इंसान से होती है। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई इग्नोरेंस रह जाती है, जो आदमी गलती कर जाता है। उसका फ़ाइन पहले था जो था, इतना आदमी नॉमिनल भर लेता था। आज की डेट में फ़ाइन है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये। इतनी आदमी की साल भर की इनकम नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे उसको भरेगा? तो इसके अगेंस्ट ये स्ट्राइक की गई है। ये मैम हड़ताल तो होना ही था, और इसका एक रीज़न है, जो चलान पहले 100 का था, 500 का था, वो सीधा 5,000, 1,000, 10,000, 20,000, इसी वजह से ये हड़ताल किया गया है। आपको क्या लगता है, कहाँ तक सही है हड़ताल करना? ये तो सही नहीं होता, लेकिन लास्ट में पब्लिक क्या करे, करे तो क्या करे क्या, वो लास्ट में हड़ताल नहीं करते हैं पब्लिक। लेकिन इससे भी कुछ होने वाला तो है नहीं, इसके लिए सरकार को ही कुछ सोचना पड़ेगा। पब्लिक तो इससे ज़्यादा हड़ताल नहीं कर पाता है, पब्लिक के पास दूसरा कुछ ऑप्शन भी नहीं बचा है। जुर्माने की वजह से जो लोग हड़ताल पे कर रहे हैं, तो जुर्माने के मतलब सरकार ने पहले कह दिया है कि हम सोचेंगे इसके बारे में कि सेफ्टी के लिए बढ़े, इस पर क्या कहेंगे? मैडम, सेफ्टी के लिए तो बढ़े हैं, लेकिन 1,000-2,000 तो बंदा भर भी सकता है, बढ़ा दे चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार काला धन लाने वाले, 8,000 की नौकरी ना देने वाले, अब वो कह रहे हैं कि चलान भर के काला धन भरो, जनता से लूट लूट के भर रहे हैं अपना धन। कहाँ से भरेगी ये जनता? जो 23,000 कमाने वाला है वो 23,000 कैसे भर देगा? क्या कर दिया, 2,000 का चलान 15,000 रुपये का, ऐसे कैसे हो पाएगा? 15,000 तो हम पूरे महीने कमा के जोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे, छोटी सी कमाई है उसमें किसी तरह बच्चे पाल रहे हैं, और चलान हो गया तब तो फिर बर्तन भांडे बिकने की नौबत आ जाएगी। इतना नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो। हाँ जी सर, सरकार के बारे में, सरकार के बारे में यही कहना चाहिए, सब कुछ ठीक है जी, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना करोगे किसी को ऊपर लोड ना पड़े, गरीब आदमी उसको झेल सके, इतना मत दबाओ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।